वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे मेंशुरेशन के वॉल्यूम का जो है बेसिक है उसका पार्ट टू, जिसमें हम बेलन की बात करेंगे। बेलन से रिलेटेड फार्मूले कैसे जनरेट होते हैं उसको आप एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे आज, और इसको रटना नहीं है आपको। देखते ही आपको इसको मैं ऐसे समझाऊँगा कि आप देखते ही इसको समझ जाएंगे और रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप इसका फार्मूला खुद जनरेट करके बना सकते हैं तुरंत ही, ठीक है। तो देखते हैं बेलन क्या है। ठीक, बेलन बेलन की आकृति से आप भलीभांति परिचित हैं। बेलन की आकृति इस प्रकार कुछ होती है, सब तो जानते ही हो आप। जिसमें ये जो है H, इसकी ऊंचाई ले लो, और ये जो है वृत्त है, एक वृत्त है ऊपर नीचे, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आर ले लो आप। और देखो ऊंचाई का एक्चुअल में फार्मूला होता क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला, वॉल्यूम वी बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो लंबाई और चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, लंबाई गुणा। तो इसके जगह मैं एरिया पुट कर दूं, एरिया इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला अगर मेरे को निकालना पड़े तो एरिया इंटू एच मतलब क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल अपने को मिल गया और उसकी जितनी ऊंचाई तक गया हुआ क्षेत्रफल वो मिल गया, तो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा इसमें कैसे निकलेगा, देखो ये जो है एक वृत्त है, वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है ए, ठीक। अब यही एरिया अगर एच ऊंचाई तक फैले तो वो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, ठीक है। एच ऊंचाई तक कैसे फैलेगा, देखो ये एरिया है, देखो ए वृत्त है, फिर इसमें एक वृत्त जोड़ दो इसकी, देख फिर इसमें एक वृत्त जोड़ दो, फिर इसमें एक वृत्त जोड़ दो, फिर इसमें एक वृत्त जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी वृत्त हैं वो क्या है, एच ऊंचाई तक इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, एक बेलन का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। बहुत सारे वृत्त मिलके ही एक क्या बनाए हैं, बेलन, ठीक है। तो ये क्या है, एच ऊंचाई तक का, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये क्या थी, जब वृत्त था एक द्विविमा था, और बहुत सारे वृत्त मिल के मान के चलो क्या बना दिया है, वो आपका त्रिविमी त्रिविमा हो गया है, ठीक है। ये वॉल्यूम में हो गया है, आयतन हो गया है। तो अब इसका एरिया देखो, एरिया क्या है, तो देखो वृत्त का एरिया क्या होता है, ठीक है, वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया जो आप जानते ही हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर, इसको जानते ही हैं पहले ही पढ़ चुके हैं आप। तो एरिया बराबर यहाँ पे लिख दूँ मैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल सा फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम बेलन के लिए, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, कैसे निकालते हैं आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। इसके देखो पृष्ठ कितने प्रकार का है, इसमें ये ऊपर का एक ढक्कन निकाल लो, नीचे का एक ढक्कन निकाल लो, ठीक है। दो ठो ये क्या है, ऊपर नीचे वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है दोनों ऊपर नीचे, और नीचे देखो, और ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला जो भाग है ये वाला, उसको मैं इसको काट के मैं खोलूँ, उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं ना, वृत्त ये है वृत्ति पृष्ठ, वृत्ति पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो आप एक कागज का एक बेलन बना लीजिए, उसको ऊपर से दोनों वृत्तों को काट दीजिए, और उसके ठीक है कागज का बेलन आप जब बनाएंगे फिर दोनों वृत्तों को ऊपर से काट देना, उसके बाद जो बचेगा बीच का जो जैसा पाइप जैसा आकृति दिखेगा, इसको काटने ऊपर नीचे काटने के बाद पाइप जैसा जो आकृति दिखेगा उसको आप ऐसे बीच से जैसे ये जो आकृति दिखेगी आपको ऐसे, ठीक है, उसको आप यहाँ से काट दीजिए, एक साइड से कैंची से काट दीजिए इसको,
अब इसको खोल दीजिए, ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने पे आकृति आपको ऐसे दिखेगी। ये आकृति दिखेगी। अब देखो ये जो है यही है जो हाइट, ये हाइट है ना, तो ये यही है, क्या है, हाइट है ये, एच इसकी हाइट ये है, ठीक है। और ये जो खोलने पे जो बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या होगी, देखो ये क्या होगी, ये क्या है, ये जो है वृत्त का, क्या बोलते हैं उसको, परिधि, वृत्त का परिधि। जब ये क्या है, वृत्त की परिधि थे, ये जो खुलेगी वृत्त की परिधि, तो ये 2πr थी तो होगी, ठीक है, ये बंद थी तो 2πr के रूप में थी, तो खुलेगी तो भी तो 2πr ही इसका लेंथ होगा, तो इसका लेंथ क्या हो गया, 2πr, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ, अब देखो वृत्ति पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आप तो जान ही, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको जान गए हैं, लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आपका, इसका एरिया वक्र पृष्ठ का, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2πr और चौड़ाई कितनी है h, तो ये क्या हो जाएगा 2πrh, ठीक है। तो ए एल करके दे दूँ, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस बोलते हैं, तो ए एल बराबर क्या हो गया हमारा 2πrh। और वृत्ति पृष्ठ आप जान ही गए हैं, पाई आर स्क्वायर तो इसका होता ही है, ठीक है, इसके लिए पाई आर स्क्वायर है एरिया। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठ किससे मिलकर बना है, एक वक्र पृष्ठ है और दो वृत्ति पृष्ठ हैं, तो ठीक है, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh, और दो वृत्ति पृष्ठ माने पाई आर स्क्वायर इंटू टू, दो ठो वक्र पृष्ठ है तो पाई स्क्वायर इंटू टू, तो इसको अगर कॉमन लेना चाहें तो कुछ कॉमन निकाल भी सकते हैं, ये 2πr कॉमन निकल जाएगा, 2πr, और ये क्या हो जाएगा, h प्लस r, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो फार्मूला है, डेवलपमेंट हो गया, और आपका अगर आप, हाँ ये जो है आपका क्वेश्चन में अप्लाई करने पे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, इतना तो खैर आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है, तो आप इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसको पाई आर स्क्वायर होता है, और ये इसको याद भी नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है आपको, कि आपको लेटरल सरफेस का एरिया मालूम होना चाहिए और इन दोनों के एरिया का मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये खासकर याद रखना चाहिए आपको, 2πrh होता है ये, ठीक है, अगर भूल भी जाएंगे तो आप समझ के निकाल सकते हैं। और अब इसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे हम, आर एस अग्रवाल के जब क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आपको पकड़ बन जाएगी, फिर ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेंशुरेशन जो होता है हर कोई बना सकता है अगर उसको समझ जाए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ्स वाले, आर्ट वाले इससे बहुत ही घबराते हैं इस चैप्टर से, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप अगर समझ गए होगे इस बेसिक को, तो आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे आर एस अग्रवाल के तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमसे लगातार अपडेट रहने के लिए मैथ्स एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।